अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम क्लास टू के उर्दू की किताब का सबक जो है अच्छा सलूक, वो पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए इसे पढ़ते हैं। अच्छा सलूक, ये हैं ख़ास अल्फाज। बूढ़ी, पत्थर, तकलीफ़, सलूक, तंदरुस्त, तीमारदारी। एक बूढ़ी औरत मक्का में रहती थी। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जब भी उसके घर के सामने से गुज़रते, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर कूड़ा फेंक देती। कभी पत्थर और कभी कांटे आपके रास्ते में बिछाती। हर तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुंचाती, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कुछ ना कहते। एक दिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते से गुज़रे तो किसी ने उनके ऊपर कूड़ा नहीं फेंका। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि कूड़ा फेंकने वाली औरत बीमार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर गए। आपने उसे खाना खिलाया जब तक वो तंदुरुस्त नहीं हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तीमारदारी के लिए जाते रहे और उसका बहुत ख्याल रखते रहे। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अच्छे सलूक की वजह से वो औरत मुसलमान हो गई। प्यारे बच्चों, हमारे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दुश्मनों से भी अच्छा सलूक फरमाते थे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट सबक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।